आ गया तेरा। थैंक यू सो मच, इट वाज रियली नाइस। यस इट वाज, बट आलिया बट वाज नॉट गुड। द सॉन्ग वाज सो रोमांटिक। हां वो भी था। सर आई लीव नाउ, बाय बाय। I'm fine. तुम आया और बताया भी नहीं। मैं एक हफ्ते पहले आया हूँ। But anyways, how are you? Graduated, नौकरी ढूंढ रही हूँ। I just change and come. नमो बेटा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। देखो सिद्धार्थ तुमसे शादी करना चाहता है। What? Me and Sid, आप ठीक तो हो ना? मैं और पापा भी वही चाहते हैं बेटा। तुम खुश हो? खुश? किस बारे में? You know what? Listen Sid, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, and I respect that. But शादी, I really don't know. I mean, तुम successful हो, handsome हो, but मैं तुम्हें उस तरह नहीं देखती हूँ. फ्रेंकली स्पीकिंग मैं तुम्हें चाहता था हमेशा से, बट कहीं ना कहीं डरता भी था। लुक, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। हेलो देव, यहाँ पे एक पंगा हो गया, तू जल्दी आ जा। नमो, सबसे पहले तुम शांत हो जाओ। क्या हुआ? मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है, ये बात समझते हो तुम? ये टोके ने पांगड़े ले लेगा तू? कहाँ रहेंगे हम, कैसे रहेंगे? वो सब मुझे नहीं पता, जो होगा देखा जाएगा, तुम बस जल्दी आ जाओ।
शायद मैं गलती कर रही हूँ, लेकिन मैं किसी से प्यार करती हूँ। उसका नाम देव है। आप इस शादी को इनकार करते हैं, इसीलिए मैं जा रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझसे सब अभी नहीं देखा जा रहा। क्या सब? तुम्हारी ये हालत, पहले तुम बंगलों में रहती थी, अब कहाँ यहाँ मेरे झोपड़े में आके रह रही हो तुम। शादी की है मैंने तुमसे, अब यही हमारी जिंदगी है। तुम कुछ दिन के लिए घर चली जाओ। मैं वापस घर नहीं जा रही। पर बस ओ, आया आया। हेलो, हाँ हाँ मानिक सेठ, हाँ हाँ नहीं नहीं मालूम है, हाँ नहीं मुझे थोड़ा टाइम चाहिए तो। नहीं बराबर है आपका, पर कैसा है ना, मतलब मेरे भी थोड़े काम होने बाकी है, वो हो जाएंगे एक दो दिन में, मेरे को थोड़ा क्या रे वक्त दे दीजिए बस। क्या हुआ? कुछ नहीं रे, छोड़ना। हाँ हाँ हो गया था एक महीना, मालूम प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं रे, और तुझे इतनी दिलचस्पी क्यों है? पैसे मेरे चिढ़ती क्यों है? मैं तो बस पूछ रही थी। सुन तो लीजिए ना, मुझे दो दिन दे दीजिए प्लीज, मतलब दो दिन में हो जाएगा। आप वैसे हिम्मत करो। वो कौन है रे? है लड़की है, बाजू में रहती है। तो पुत्री नए काम के लिए नई लड़की मांगती? नहीं रे, इसको पूछ के तो दे। नहीं वो ये सब काम नहीं करेगी रे। लगता है मियां बीवी में झगड़ा चल रहा है। करे जिंदगी मजबूरी पे ही चलती है। उधारी चुकेगा तब तू? नहीं मैं नहीं ले सकती। अरे बाद में लौटा दियो, उधारी ले ले, पर अपना ये सारा चुका दे। इससे अच्छा कोई अच्छा काम है तो दे दे। अरे वो तो तेरे को अपना कल्लू भी दे देगा। कल्लू कौन है? मेरा एक दोस्त।
बड़े लोग को जानता है, शरीफ लोग है वो, शरीफ लोग तेरे को होटल रूम में ले जाएंगे, तो जो बोलेंगे करने को करने का। क्या अच्छा पैसा भी मिलेगा तेरे को उसमें। अरे तेरा उधारी सब चुक्का हो जाएगा। नहीं नहीं ऐसा मैं नहीं करने वाली। देख अच्छा पैसा है उसमें, तू सोच जल्दबाजी मत कर, थोड़ा टाइम दे सोचने को। काम के लिए तुझे हाँ तो बोल रही हूँ, लेकिन मेरे पति को पता नहीं चला। चिंता मत कर, मैं क्या बताएगी तेरे पति को, तू चल दे, आ रही है ना। दर्द भी है देती।